हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रिया एंड वेलकम बैक टू दी माय यूट्यूब चैनल दी स्टडीज़। फ्रेंड, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड, इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। और ये फ्रेंड जो ये सेट थ्री है, बाकी दो वीडियो मैंने अपलोड कर चुका है, उसमें सेट वन और सेट टू को मैंने डिस्कस किया हुआ है। फ्रेंड, इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ जब सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आता है तो फाजिन गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो फ्रेंड, यहाँ पे जो इसका आंसर होगा क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म फ्रेंड जब सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आते हैं तो फाजिन गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो फ्रेंड, यहाँ पे जो क्लोरोफॉर्म होता है, जो पत्तियाँ होती हैं उसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है, और जो वनस्पतियाँ होती है उस पत्तियों के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न करती है। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका प्रयोग शराब, दवाई और वायुयानों में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड, यहाँ पे इसका आंसर होगा इथाइल एल्कोहल। फ्रेंड, इथाइल एल्कोहल का रासायनिक नाम C2H5OH होता है। एंड फ्रेंड, यहाँ पे जो इथाइल एल्कोहल होता है, ये प्रमुख पेय पदार्थों में यूज किया जाता है। फ्रेंड, शराब बनाने में और जो ईंधन होते हैं और अन्य रसायनों के उत्पादन में इसका यूज किया जाता है। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण हीमोग्लोबिन मेथ हीमोग्लोबिन में बदल जाता है। तो फ्रेंड, यहाँ पे जो इसका आंसर होगा नाइट्रेट की उपस्थिति में हीमोग्लोबिन मेथ हीमोग्लोबिन में बदल जाता है। फ्रेंड, यहाँ पे जो मेथ हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन का परिवहन नहीं कर सकता है। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोपाइसिस क्या होता है। तो फ्रेंड, यह रक्त निर्माण की एक प्रक्रिया होती है जिसे हम हीमोपैसिस कहते हैं। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्वप्न को पर्याप्त समय तक याद रखने के लिए कौन सा विटामिन प्रयोग में लाया जाता है। तो फ्रेंड, यहाँ पे जो विटामिन B6 होता है, किसी भी स्वप्न को पर्याप्त समय तक याद रखने के लिए आवश्यक होता है। तो फ्रेंड, यहाँ पे जो विटामिन B6 होता है उसका रासायनिक नाम पैरिडॉक्सिन होता है, और यह जो इसकी कमी से जो रोग होता है वो है एनीमिया और त्वचा रोग। और फ्रेंड, इसके जो स्रोत होते हैं दूध, मांस और सब्जी, इसके माध्यम से ही हमें विटामिन B6 मिलती है। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, पसीनों तथा आंसुओं में कौन सा एंजाइम प्रयोग में लाया जाता है। तो फ्रेंड, यहाँ पे जो इसका आंसर होगा लाइसोजम्स होता है। इससे क्या होता है कि जो जीवाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और ये हमारे आंसुओं और पसीनों में पाया जाता है। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनोना स्क्वामोसा किसका वैज्ञानिक नाम है। तो यहाँ पे फ्रेंड, सीताफल का नाम एनोना स्क्वामोसा है। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण कौन सा रोग होता है। तो फ्रेंड, यहाँ पे जो इसका आंसर है मेरास्मस। इसके बाद जब बच्चों में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो ये रोग होता है। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतपिंड कहाँ पाए जाने वाली कोशिकाओं की सहती हैं। तो फ्रेंड, इसका आंसर होगा अंडाशय में पीतपिंड पाई जाती है। एंड अग्न्याशय को कौन मोटिवेट करता है। तो फ्रेंड, जो सिक्रेटिन होता है अग्न्याशय को मोटिवेट करता है। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है। तो फ्रेंड, जो इंसुलिन होता है उसमें जस्ता धातु उपस्थित होती है। एंड बीपी को बनाए रखने के लिए कौन सा हार्मोन आवश्यक है। हमारे जो ब्लड प्रेशर है उसको हमेशा कांस्टेंट रखने के लिए जो हार्मोन होता है LDH होता है, ये क्या करता है, बीपी को हमेशा बनाए रखता है। तो फ्रेंड, यहाँ पे जो LDH होता है, इसे हम जीवन रक्षक हार्मोन भी बोल सकते हैं, जीवन रक्षक हार्मोन। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेटिना की सबसे आंतरिक परत किसकी बनी होती है। तो फ्रेंड, जो रेटिना होती है हमारे जो आँख में पाई जाती है वो न्यूरॉन की बनी होती है। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBC पर पाई जाने वाली संरचना जो कि प्रोटीन की बनी होती है वो क्या कही जाती है। तो फ्रेंड, एंटीजन ही क्या होता है, जो हमारी RBC होती है उस पर पाई जाने वाली संरचना होती है। फ्रेंड, यह जो एंटीजन होता है इसी के माध्यम से हम ब्लड ग्रुप का निर्धारण करते हैं। फ्रेंड ये जो एंटीजन होता है इसे कार्ल रेन इसीनर ने 1900 में खोजा था। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा केराटिन नामक प्रोटीन किस में उपस्थित होता है। तो फ्रेंड, यहाँ पे इसका आंसर होगा ऊन में अल्फा केराटिन नामक प्रोटीन उपस्थित होता है। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेनिल कीटोन्यूरिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो फ्रेंड, यहाँ पे जो फेनिल कीटोन्यूरिया रोग होता है उसे मानव मस्तिष्क प्रभावित होता है, इसे मस्तिष्क मानसिक जड़ता भी कहते हैं। फ्रेंड, जो हमारा फेनिल एलेनिन जो ये रसायन होता है, इसी के स्त्राव से यह रोग होता है। तो फ्रेंड, ये हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्सीटोनिन हार्मोन का क्या कार्य होता है। तो फ्रेंड, जो ये कैल्सीटोनिन हार्मोन होता है, ये रक्त कैल्शियम को हड्डी में लेकर के जाता है। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जिससे नर में मादा के लक्षण पाए जाते हैं वो क्या कहलाता है? तो फ्रेंड ये जो गायनोकोमोस्टिया होता है ये क्या होता है कि जो मेल होते हैं हमें फीमेल के जो सिम्ट सॉरी जो लक्षण होते हैं वो आ जाते हैं, तो जो गायनोकोमोस्टिया रोग के कारण। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशी में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो फ्रेंड यहाँ पे मायोसिन और एक्टिन, ये क्या होती है हमारे मायोसिन सॉरी हमारे मांसपेशी में पाए जाने वाली प्रोटीन होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीकोप्लास्ट पौधों के किस भाग में पाया जाता है? तो फ्रेंड जो लीकोप्लास्ट होता है पौधों के जड़ों में पाया जाता है। और फ्रेंड हम जानते हैं कि जो पौधे होते हैं उनमें जाइलम और फाइलम के माध्यम से फल और पानी का संचरण होता है। फ्रेंड ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, और हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और फ्रेंड देखने के लिए थैंक यू।